विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। तो दोस्तों हर साल हम लोग 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो यह है जो कि हम लोग 27 सितंबर यानी 27 सितंबर को मनाते हैं। तो यह क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है थीम, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ साथ हम लोग विश्व पर्यटन दिवस के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों को भी देखेंगे, हो सकता है वहाँ भी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसको कि टूरिज्म सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यों को किस प्रकार बेसिक रूप से बढ़ाने में मदद कर सकता है और बेसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस WTD मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत 1980 से हुई है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो टूरिज्म है यानी कि जो पर्यटन है वह किस प्रकार से सोशली रूप से कल्चरल रूप से पॉलिटिकल रूप से और साथ साथ इकोनॉमिकल रूप से किस प्रकार से पूरे ग्लोबल यानी कि पूरे वैश्विक या विश्व में किस प्रकार से इसको बढ़ाया जाए इसमें और साथ ही साथ वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और ये भी देख सकते हैं कि ग्लोबल पर्यटन को किस प्रकार से हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो इसी का जो है मेन मोटो लेकर के विश्व पर्यटन दिवस को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विश्व में जितने भी चीज़ें घूमने के लिए हैं देखने के लिए है उन सारी चीज़ों को लाइट में लाने के लिए यानी कि प्रकाशित करने के लिए साथ साथ में पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा देंगे ताकि जो एक दूसरे देशों से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सके। तो ये सब सारी चीज़ें विश्व पर्यटन दिवस में मनाने के उद्देश्य से ही इसको मनाया जाता है और यह जो है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इसको जो मनाने की शुरुआत हुई हुआ है 1980 से हुई है यानी कि 1980 से हुआ है इसका शुरुआत मनाने का। तो ये इसके अलावा अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे थीम क्या है और जो एक्स्ट्रा जानकारी है उसमें और चीजें होंगी। तो देखिए यहाँ पर 2022 को 42वां पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है और इस बार का मेजबान देश बाली इंडोनेशिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो 2022 का है विश्व पर्यटन दिवस, यह 42वां विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट ये जो है नंबर वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार का जो मेजबानी जो करने वाला देश है वह कौन सा देश है, तो वह देश है बाली इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है, एक देश का नाम है यहाँ पर बाली। तो यही इस बार इसका मेजबानी कर रहा है। तो हो सकता है आप लोगों को देश के बारे में पूछ लिया जाए तो इंडोनेशिया है इस बार का मेजबान देश विश्व पर्यटन दिवस का। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है कि जो मेजबान करने वाला जो प्रोसेस है जो प्रक्रिया है, पहले इसका जो है मेजबानी नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ केवल मनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 1997 में एक जो बैठक हुआ था, 12वीं बैठक हुई थी विश्व पर्यटन दिवस को कब से मतलब इस प्रकार से मेजबानी करने का सिस्टम से मनाया जाए, तो उसके लिए 12वीं बैठक हुई थी 1997 में, तब से मेजबान करने वाला सिस्टम आया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 12वीं बैठक हुई थी उसी में यह माना गया कि मेजबान करने वाला सिस्टम को लागू किया जाए। तो इस बार जो यानी कि 2022 का 42वां विश्व पर्यटन दिवस जो है उसका मेजबानी करने वाला जो देश है बाली इंडोनेशिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग थीम के बारे में। तो देखिए थीम 2022 का जो थीम है वह है रीथिंकिंग टूरिज्म। तो यह है रीथिंकिंग टूरिज्म, हिंदी में इसको कहेंगे पर्यटन पर पुनर्विचार। तो ये इस वर्ष का थीम है यानी 2022 का थीम है, आप लोगों को ध्यान रखना है रीथिंकिंग टूरिज्म पर्यटन पर पुनर्विचार, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2021 का यानी कि पिछले साल का क्या थीम था, तो वह था समावेशी विकास के लिए पर्यटन। तो ये हिंदी में कहेंगे हम लोग और इंग्लिश में कहेंगे टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यह था पिछले वर्ष का थीम यानी कि 2021 का थीम, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन आप लोगों को 2022 से ही पूछा जाने की ज़्यादा संभावना है, तो याद करेंगे रीथिंकिंग टूरिज्म, हिंदी में कहेंगे इसी को हम लोग पर्यटन पर पुनर्विचार। अब देखते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी को। तो देखिए यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ के बारे में, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्तमान महासचिव कौन है, तो उनका नाम है जुराब पोलोलिसविली, ये नाम है आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। साथ साथ कुल देश की संख्या अगर देखेंगे तो इस जो संघ में टोटल देश हैं 160 कंट्रीज यहाँ पे हैं मेंबर, और साथ साथ एसोसिएट देशों की संख्या कहेंगे तो वो है 6। तो यहाँ पे है एसोसिएट देश जो हैं वो 6 हैं और कुल सदस्य देश हैं 160 और वर्तमान महासचिव जो हैं जुराब पोलोलिसविली हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए भारत 1975 से ही इस संघ से जुड़ा हुआ, इंडिया जो है 1975 से ही इस संघ से जुड़ा हुआ UNWTO से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखेंगे कि इसको जो मनाने की शुरुआत हुई है वह 1980 से हुई है, और इस बार का जो मेज़बानी कर रहा है वह इंडोनेशिया देश है, और उसी का है एक द्वीप जिसका नाम है बाली, तो यहाँ पर मेज़बान हो रहा है, और 2022 का जो है 42वां पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। तो यही था इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता था। तो यह क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये तो सारे मैंने आप लोगों को बता दिया, और साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थीम वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है रीथिंकिंग टूरिज्म। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो 27 सितंबर UNWTD यानी कि विश्व पर्यटन दिवस, ये ध्यान रखेंगे।